ते मैं अब उगा के थोड़ा साग उगू काम ही वेलो वालो ना में ब्लड ज्यादा थी आप यो में साग भी तक गरम थी ने ना अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। तो माशाल्लाह से अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम पौधे वगैरह देख रहे थे जो लगाए थे, ये देखिए ये तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इनके नए पत्ते उगना शुरू हो गए हैं। अब यूसुफ भी साथ है, यूसुफ तो ऐसे समझो सैर कर रहा है, वो उसका तो यही काम है कि यहाँ से मुझे उठाओ क्योंकि मैं इसे दो चक्कर करवाती हूँ रोज़ाना, फिर ये नीचे बैठता है तो फिर मिट्टी वगैरह खाना शुरू कर देता है ना, इसलिए। तो कल भाभी चली गई थी, देख रही है मेरी जगह बन रही है भाभी? जी जी अभी तो नहीं बन रही, बस ईंटे पहुँच गई हैं और मिट्टी भी डलवा दी है ना। तो कल आज कल फ्राइडे है, फिर परसों हफ्ता है, तो परसों से इंशाल्लाह मिस्त्री आ जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दूल्हा और दुल्हन से मेरा क्या रिश्ता है, अबू जान का क्या रिश्ता है और हमारी फैमिली में मतलब दूल्हा क्या लगता है हमारी फैमिली का, और जो दुल्हन है उससे तो हमारा बहुत ही ख़ास रिश्ता है। तो अभी अंदर चलते हैं, अबू जान भी अंदर है और मेरे भैया को अब मैंने सही काम लगाया है क्योंकि अब मैं पता है जब भी मेरा भैया कैमरा उठाता है ना मैं इजी रहती हूँ, इसलिए मैंने इसका अब सही काम लगाया। ये दो दिन चले गए थे, उस दिन मैं इतनी शादी पे तंग हुई ना क्या बताऊँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कभी उसे कहती थी कैमरा उठाओ कैमरा उठाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारी बहनें प्यारे भाई अल्लाह के फजलो करम से सुखी और आबाद और खुश होंगे। तो हमेशा से हमारी अपनी बहनों के लिए अपने भाइयों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमेशा उनको सलामत रखे। तो बस अभी अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम बाहर निकले हैं तो रोज़ ही हम आते हैं ये पौधे वगैरह, चलो भाई किचन में चलें, पौधे भी देखते जाएंगे और किचन में भी पहुंच जाएंगे। तो ये रोज़ ही हम इसको पानी वगैरह भी डालते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये पौधे अबू जान ने मंगवाए थे ख़ास लगाए हुए हमने, नींबू के और लीमू के। ये लीमू वाला बूटा है जो पहले मैं आपको दिखा रहा था ना, वो है आलू बुखारे का। हाँ एक एक जो है ना फल लगाया है सब में से, कोई नींबू का है, कोई माल्टे का है, कोई फ्रूटर का है और तीन आम लगाए हैं हमने, सिर्फ तीन ही आम लगाए। हाँ पहले वाले गांव में वो ज़मीन काफ़ी पथरीली थी ना, इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, यहाँ पे फिर भी माशाल्लाह हरे भरे खेत हैं। और जो है ना ये देखिए ये आम के बूटे हैं। हमारी पूरी फैमिली को अब्बू जान अम्मी जान को इतना शौक है पौधे लगाने का, क्या करें, उधर पता नहीं कितनी बार लगाए सब खत्म हो गए, इसलिए अभी नमी वगैरह हो रही है ना। हाँ अभी भी रात को नमी वगैरह होती है तो इसलिए अब्बू ने ना इसको ढांप के रख छोड़ा हुआ है ताकि ये ना फिर खराब ना हो जाए, पत्ते जल ना जाए सर्दी की वजह से। अभी भी रात को होती है ना सर्दी। बस ये देखिए अभी हम किचन में जा रहे हैं। चलो भाई यूसुफ को खेलने के लिए बिठाओ। यूसुफ कहते हैं मुझे गाड़ी लेके दो, गाड़ी चलाने गाड़ी चाहिए यूसुफ को। यूसुफ के लिए जब गाड़ी कोई गिफ्ट ही करेगा, अब हम तो इतनी महंगी गाड़ी नहीं इसको खरीद के दे सकते। कहते हैं मुझे चलाने वाली गाड़ी लेके दो, चलाने वाली गाड़ी मेरा बेटा इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। उधर किधर, वो दरवाजा छोड़ दिया है ना, वो कहता उधर ही जाऊंगा मैं, दरवाजा जो छोड़ दिया कहता दरवाजा खुला है फिर मैं उधर जाऊंगा। इधर आओ,
तो अब्बू जान भी देखें किचन में मौजूद हैं। आज रात को बनाया था स्पेशल गंदलों वाला साग बनाया था। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, अम्मी जान। तो ये देखें जी, रात को मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना, अम्मी जान गंदले तोड़ के आई थी, तो फिर वही जो है ना रात को बनाया, रात को भी खाया था, फिर सुबह जो है ना और भी ज़्यादा ये फिर टेस्टी होता है, मज़ा देता है सुबह सुबह नाश्ते में ना। तो माशाल्लाह फिर वही नाश्ता करें, रोटियां वगैरह कुछ बनाई हैं, कुछ और अभी बनानी पड़ेंगी मुझे लगता है। वैसे रोटी के ऊपर साग रख के खाने का मजा ही अपना है, ऐसे अबू? हाँ ये देखिए अबू जान रोटी के ऊपर ना साग रख के ना मजे से खा रहे हैं, क्या बात है, बहुत मजेदार होता है। मेरी दादी जान को बहुत ही पसंद था, तो मैं आपको बताता हूँ कि दुल्हन जो है ना मेरी सखी भांजी है और अब्बू की नवासी है। मैं जो मेरी बड़ी बहन है ना, जो बड़ी सिस्टर है, उनकी बेटी है, जो अभी जी शहजाद भाई के साथ जिसका रिश्ता हुआ है। काफ़ी लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं ना आपने बताने के दुल्हन से आपका क्या रिश्ता है, तो वो मेरी सखी भांजी है और अब्बू जान की नवासी है, मेरी बड़ी बहन की वो बेटी है। माशाल्लाह से जी जानवरों को चारा वगैरह डाल दिया है मैंने, अब ये चारा खा रहे हैं, और बकरियों के लिए ना बकरियों के लिए घास वगैरह भी डाल दिया है। ये थोड़ा सा इधर घास अभी बचा पड़ा है, ये देखें इनको घास वगैरह मैंने डाल दिया है, ये घास भी खा लिया है। अभी जो है ना छोटा जो बकरी का बच्चा है वो इधर मैंने अभी इधर है, अभी इसको दूध पिला के ना इधर, ये देखें मैं आपको, नहीं भाई नज़र ना नीचे आ गया, नहीं 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 ये देखें ये भाग के चला गया आप। जिवें गन्ने भी लेंदे ने ना ते साग कोई में अब्बू जान वैली बैठे ने, ते मैं अब्बू को आके थोड़ा साग उगु काम ही वेलो वालो ना, में ब्लड ज्यादा थी आप पियो वे साग भी तो गरम थी ने ना। अल्लाह पाक साडे प्यारे बहन भाइयों को सलामत रखे, जिवें सपोर्ट थी नहीं पी है अल्लाह पाक इवें सपोर्ट कीती रखे इंशाल्लाह, वाला आप मांझ गिनसू अबू वास्ते वाल मक्खन डेसी मांझ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा इंशाल्लाह, एक अच्छे और प्यारे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।